नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट यानी कि APAR के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि APAR किसी भी सरकारी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड का एक अहम पार्ट होता है, जिस पर उस सरकारी कर्मचारी का भविष्य टिका होता है, उस सरकारी कर्मचारी का कैरियर टिका होता है। और APAR को आप सिंपल शब्द में इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक तरह का एनुअल ऑडिट होता है, जिसमें उस सरकारी कर्मचारी के वर्क कल्चर यानी कि वर्क क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी का ऑडिट किया जाता है और इसे सर्विस रिकॉर्ड में रखा जाता है। और भविष्य में जब कभी भी करियर अपग्रेडेशन की बात आती है, करियर प्रोग्रेशन की बात आती है, फाइनेंशियल बेनिफिट की बात आती है, या फिर सर्विस में रखने या ना रखने की बात आती है, तब APAR को ही देखा जाता है और इसी के आधार पर किसी भी तरह का निर्णय लिया जाता है। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि APAR का पर्पस क्या होता है। जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है केंद्रीय कर्मचारी के लिए, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, और APAR में जो आप न्यूमेरिकल ग्रेडिंग देखते हैं यानी कि नंबर में जो ग्रेडिंग किया जाता है, तो कौन से अधिकारी इसके लिए ऑथोराइज किए गए हैं यानी कि कौन न्यूमेरिकल ग्रेडिंग करता है, और APAR में 1 to 10 के स्केल पर कितना मार्क्स होने से जो आपके APAR की ग्रेडिंग है उसे आउटस्टैंडिंग कहा जाता है या फिर वेरी गुड कहा जाता है या फिर गुड कहा जाता है, और कितना न्यूमेरिकल ग्रेडिंग यानी कि मिनिमम कितना न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होना चाहिए, इससे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से कितना न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होने से आपका ACR अच्छा माना जाएगा और भविष्य में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, चाहे सर्विस में रहने की बात हो, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात हो या फिर करियर प्रोग्रेशन की बात हो। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम डिटेल में आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ACR, पहले इसका नाम हुआ करता था ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, और 2008-09 से इस नॉमिनिक्लेचर को बदल दिया गया और 2008-09 से इसे APAR के नाम से जाना जाता है यानी कि एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है यानी कि उद्देश्य क्या होता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका पर्पस जो मेन होता है कि जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को सर्विस में कंफर्म करना होता है यानी कि प्रोबेशन क्लियरेंस की बात आती है, तो प्रोबेशन क्लियरेंस का मतलब उसी को ही कंफर्मेशन कहा जाता है, जब प्रोबेशन को क्लियर किया जाता है तो उस समय में इसी APAR को देखा जाता है। प्रमोशन की जब बात आती है तब भी इसी APAR के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर MSCP की बात आती है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात आती है, तो इन सभी केस में APAR को ही देखा जाता है और उसी के ग्रेडिंग के आधार पर, उसी में जो कमेंट होता है, रिमार्क होता है, उसके आधार पर तय किया जाता है कि कर्मचारी को सर्विस में कंफर्म किया जाए या नहीं किया जाए, प्रमोशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, MSCP या फिर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है जिससे सरकारी कर्मचारी डरे हुए रहते हैं, FR-56J, जिसे आप कहते हैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट, तो यह भी तय उसी APAR के आधार पर होता है। तो अब आप समझ गए कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है। ये पूरी तरह किसी भी सरकारी कर्मचारी का करियर इसी APAR पर डिपेंड होता है। अब सबसे जो आगे हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि APAR ग्रेडिंग मार्क्स के बारे में। आप भी सोच रहे होंगे कि APAR ग्रेडिंग या मार्क्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आपके APAR में जो ग्रेडिंग होता है वह 1 to 10 के स्केल पर होता है, यानी कि APAR में जो ग्रेडिंग की जाती है 1 to 10 के स्केल में की जाती है, जो 1 लोएस्ट होता है और 10
हाईएस्ट होता है। तो और दूसरी बड़ी बात जो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल गेट्स आर अवॉर्डेड बाय रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज। यह ध्यान रखना होगा कि जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग किया जाता है एपीआर में, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रिपोर्ट राइट करता है और उसके बाद जो रिपोर्ट होता है उसे रिव्यू भी किया जाता है, तो वो भी न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होता है। और जो तीसरा लेवल होता है ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के लिए अलग से अलग अलग क्वालिटी के लिए नंबर देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन ओवरऑल मॉडिफिकेशन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के द्वारा भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एपीएआर में एंट्री होती है, मार्क्स की जो एंट्री होती है, ग्रेडिंग की जाती है रिपोर्टिंग रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, यानी कि तीन लेवल पर इसे पूरा किया जाता है। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल ग्रेडिंग जो होता है एपीएआर में, उसे तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेडिंग को आउटस्टैंडिंग कहा जा सकता है, वेरी गुड कहा जा सकता है, या फिर गुड कहा जा सकता है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसे भी मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जो एपीआर में जो ग्रेडिंग रखा गया है, तो वन को वन लोएस्ट ग्रेड होता है और 10 हाईएस्ट ग्रेड होता है, यानी कि जो 1 to 10 के स्केल पर जो ग्रेडिंग की जाती है, मार्क्स दिया जाता है, तो उसमें 1 लोएस्ट होता है और 10 हाईएस्ट, यानी कि लोएस्ट 1 दिया जा सकता है और हाईएस्ट 10 दिया जा सकता है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि 1 और 2 आखिर किसी को भी दिया जा सकता है या इसके लिए कुछ एविडेंस होना जरूरी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी ग्रेडिंग अगर 1 या 2 में किया जाता है, किसी भी कर्मचारी के वर्क आउटपुट या पर्सनल एट्रीब्यूट्स होता है या फिर ओवरऑल ग्रेड होता है, अगर 1 या फिर 2 दिया जाता है, तो इसे जस्टिफाई करना होता है बाय वे ऑफ पेन पिक्चर। पेन पिक्चर यानी पेन पिक्चर होता है जिसे आप कहते हैं रिमार्क। उसमें जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं, रिव्यूइंग अथॉरिटी होते हैं, उनके लिए कॉलम होता है रिमार्क का कॉलम, जो कि आपने अपने एपीआर में देखा होगा। तो उसे जस्टिफाई करना पड़ता है कि और ये बताना पड़ता है कि कर्मचारी किस तरह से अपने वर्क आउटपुट में, एट्रीब्यूट में या ओवरऑल क्वालिटी में फेल रहा है, यानी कि जहां खरा नहीं उतरा है, तो उसे पूरी तरह से जस्टिफाई करना होता है रिमार्क कॉलम में, अगर 1 या फिर 2 दिया जाता है तो। अब इसके बाद आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो फिर 9 या 10, लोएस्ट 1 2 है, तो 9 10 किसको दिया जा सकता है? तो 9 10 भी अगर किसी कर्मचारी को दिया जाता है, तो उसका स्पेसिफिक अकॉम्प्लिशमेंट दिखाना होगा, यानी कि कर्मचारी की जो उपलब्धि है उसे बताना पड़ता है, और टेन पिक्चर में उसे भी जस्टिफाई करना पड़ता है अगर किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को 9 या फिर 10 के 10 मार्क्स दिया जाता है आउट ऑफ 10, तो इसे भी जस्टिफाई करना होता है। ये भी सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। और कई सारे एपीआर में मैंने पर्सनली भी देखा है कि 9 तक दिया जाता है, 9.5 तक दिया जाता है, लेकिन रिमार्क कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो मेरे हिसाब से ऐसा जो खास करके एपीआर होता है गुड नहीं होता है, यानी कि जब प्रोबेशन कंफर्मेशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात आती है, तो पेन पिक्चर को भी देखा जाता है कि पेन पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, तो उसे काफी अच्छा नहीं माना जाता, सिर्फ सिंपली मार्क्स लिखना और उसे जस्टिफाई नहीं करना। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि 1 और 2 को लोएस्ट माना जाता है, जिसे भी जस्टिफाई करना होता है, कर्मचारी के फेलियर को बताना होता है, उसी तरह 9 या फिर 10 दिया जाता है, तो उसके स्पेशल अचीवमेंट को बताना होता है रिपोर्टिंग रिव्यूइंग या फिर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। और जो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेड 1 2 या 9 10, ये रेयर ऑकरेंसेज माना जाता है, कि इसे रेयर माना जाता है कि किसी कर्मचारी को 1 2 मिला हो या फिर 9 10 मिला हो, तो इसे रेयर माना जाता है और इसे लिए इसे जस्टिफाई करना जरूरी होता है, यानी कि बिना जस्टिफिकेशन के मार्क्स नहीं दिया जा सकता। अब आपके सामने में ये रहा स्कोर, और यही मैं बताऊंगा कि मिनिमम कितना होना जरूरी होता है। सबसे पहले आप देखिए एपीआर ग्रेडिंग, अगर 8 या फिर 10 के बीच में मार्किंग होता है, तो उसे का एवरेज स्कोर 9 माना जाता है। अगर 6 या 8 के बीच में अगर ग्रेडिंग होती है, तो उसका एवरेज स्कोर 7 माना जाता है। 4 6 के बीच में, 4 से लेकर 6 के बीच में अगर मार्किंग होता है, न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होता है, तो उसे एवरेज 5 माना जाता है। और बिलो 4 अगर मार्किंग होती है, तो उसका एवरेज स्कोर 0 माना जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि 9 तक, यानी कि 8 टू 10 के बीच में अगर किसी कर्मचारी को
ग्रेड दिया जाता है 1 to 10 स्केल में, तो ऐसे एपीआर को आउटस्टैंडिंग माना जाता है। अगर कर्मचारी को 6 to 8 के बीच में न्यूमेरिकल ग्रेड दिया जाता है तो इसे वेरी गुड माना जाता है। अगर 4 to 6 के बीच में ग्रेड दिया जाता है तो इसे गुड माना जाता है। और आखिर ये जो होता है, नीचा में आप देख सकते हैं कि कंफर्मेशन, प्रोग्रेशन, एमएससीपी, एम्पैनलमेंट, प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, या फिर ऊपर बताया है कि FR 56J के तहत जो प्रीमैच्योर रिटायरमेंट होता है, तो इसके लिए इसकी जरूरत होती है। तो अब ही कर्मचारी के लिए मिनिमम कितना जरूरी होता है, तो मिनिमम जो न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होनी चाहिए, जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। और इसके लिए जो कर्मचारी को मार्क्स होना चाहिए 6 to 8 के बीच में, ये मिनिमम 6 to 8 के बीच में होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट 6 और हाईएस्ट 8 तक होता है। तो प्रमोशन कंफर्मेशन के लिए इसको एवरेज 7 माना जाएगा, यानी कि एवरेज स्कोर है। अब यहाँ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, कई सारे कर्मचारी ये परेशान हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफिसर ने किसी कलीग को यानी कि 7 दे दिया है, किसी को 8 दे दिया है, तो कर्मचारी परेशान रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी कर्मचारी को 6 आता है, 6 मार्क्स दिया जाता है, न्यूमेरिकल ग्रेडिंग 6 होता है, और किसी कर्मचारी का 8 होता है, तो कंफर्मेशन प्रोग्रेशन के टाइम में दोनों का एवरेज स्कोर 7 ही होगा। अगर भले ही किसी को 6 मिला है, किसी को 8 मिला हो, लेकिन उसको जो एवरेज स्कोर उसका माना जाएगा वो 7 ही माना जाएगा। तब आप समझ सकते हैं कि भले 6 मिले या 8 मिले, एवरेज स्कोर उसका 7 ही होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 8 मिल गया तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, उनका भी जो एवरेज स्कोर होगा, जब प्रोबेशन कंफर्मेशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात आएगी, जब एपीआर को देखा जाएगा, तो उसका भी एवरेज स्कोर 7 ही निकाला जाएगा। अगर 8 to 10 के बीच में है तो उसका एवरेज स्कोर 9 होता है, और 4 to 6 के बीच में अगर मार्किंग है तो ये इसका एवरेज 5 होता है, और इसे गुड माना जाता है। और यहाँ रेड में इंडिकेट कर दिया है कि इसे एडवांस एपीआर माना जाता है। तो दोस्तों जब भी आप अपने एपीआर को देखते हैं तो सिर्फ मार्क्स पर मत जाइए, आप पेन पिक्चर में देखिए कि पेन पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। अगर मार्क्स काफी अच्छा दिया है और पेन पिक्चर में यानी कि जो रिमार्क्स कॉलम होता है रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी के लिए, अगर उसमें एडवांस आपके खिलाफ लिखा गया है, तो उस मार्क्स का कोई भी मतलब नहीं बनता है, उस एपीआर को एडवांस ही माना जाता है। क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो जो अधिकारी ऑथोराइज होते हैं कंफर्मेशन प्रोमेशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए, जिसे आप डीपीसी कहते हैं, तो डीपीसी को रिमार्क भी देखना है। अगर दोनों के बीच में कंट्रेडिक्शन होता है तो इसे डिसाइड करने का भी अधिकार डीपीसी को दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कितना मार्क्स होना अच्छा है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी कर्मचारी को कम या ज्यादा देता है, भले इस रेंज में है जो रेंज बताया है 6 to 8, ये स्टैंडर्ड रेंज है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेफिक्र होके अपना काम कीजिए, आपके जो सर्विस करियर है उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।